आजकल युवाओं को वाटर पार्क बड़े पसंद हैं और वो लोग अक्सर वाटर पार्क जाने का प्लान बनाते हैं। सुना है शहर के बाहर एक नया वाटर पार्क खुला है? मैंने भी सुना है और उसके दाम भी कम है। लुक गाइस, मुझे तो फ्री में पासेस का मैसेज आया है। तो सोच क्या रही हो, हम सबके ऑर्डर करो ना। हाँ करती हूँ, डन। चारों दोस्त बहुत खुश थे कि उन्हें फ्री में वाटर पार्क जाने का मौका मिल रहा है। कल सुबह मैं तुम सबको पिक कर लूंगा अपनी कार में। ठीक है ब्रो। अगली सुबह रौनक ने एक एक करके अपने सारे दोस्तों को पिक किया। यार अब मजा आएगा, फ्री में वाटर पार्क, इसको बोलते हैं ना सही वाली पिकनिक। अरे मीरा, सारे फ्री वाले आइटम तुझे ही क्यों मिलते हैं, ये है ही फुकट। कितना टाइम लगेगा हमें वाटर पार्क पहुंचने में? लगभग एक घंटा, तब तक तुम लोग म्यूजिक एंजॉय करो। म्यूजिक सुनते हुए चारों दोस्त हंसी खुशी उस वाटर पार्क की ओर चल पड़े। उन्हें टिकट्स फ्री में मिले थे इसलिए वो लोग ज्यादा खुश थे। वो लोग जैसे ही वाटर पार्क पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटर पार्क की सारी राइड्स बंद थीं। सब कुछ तो बंद लग रहा है, ये क्या अजीब है। इतनी दूर आए हैं तो अंदर चलकर देख ही लेते हैं। हाँ हाँ। जैसे ही उन लोगों ने वाटर पार्क के गेट के अंदर कदम रखा तो एकाएक वाटर पार्क की सारी लाइट और राइड्स शुरू हो गईं और उन लोगों के सामने एक औरत आ गई। वेलकम वेलकम, आप सभी का हमारे वाटर पार्क में स्वागत है। थैंक यू, पर यहाँ लोग क्यों नहीं हैं? मैम, क्योंकि अब तक हमारा वाटर पार्क प्रॉपरली खुला नहीं है, बीटा मोड में है और आप सबको फ्री टिकट्स प्रमोशन के लिए दिए गए हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए कब खुलेगा ये पार्क? बहुत जल्द, आप सभी के लिए सारी राइड्स फ्री हैं और खाना पीना भी, आप लोग हमारे पहले गेस्ट हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। एंजॉय योर डे। चारों ने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिए और एंजॉय करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले वो लोग रेन डांस में गए और वहाँ लाउड म्यूजिक पर खूब नाचे। फिर वो लोग स्लाइड्स की ओर चलने लगे। रास्ते में मीरा रुक गई और पीछे मुड़ी। क्या हुआ? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। पूरा वाटर पार्क खाली है, वाटर पार्क के स्टाफ के सिवा यहाँ कोई नहीं है, तुझे वहम हो रहा है, चल। युग मीरा का हाथ थाम कर उसे आगे ले गया, पर मीरा को फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई है। वो सब स्लाइड पे गए और उन्होंने सब कुछ एंजॉय किया। अब तो मुझे भूख लग रही है। मुझे भी, तो चलो पेट पूजा ही करते हैं। ठीक है, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। मीरा वॉशरूम पहुँची तो वो पूरा कमरा सुनसान था। इतने बड़े रूम में वो अकेली थी। वो आगे बढ़ रही थी तो उसे लगा शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है? कौन है? पीछे कोई नहीं था। वो वॉशरूम में चली गई और जब वो वापस लौटी तो उसने शीशे में किसी की परछाई देखी। कौन है वहाँ? जब मीरा ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। वो डरते हुए बाहर आई। मीरा इतनी डर गई कि वो डर से रोने लगी। अरे सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। अंदर कोई है, कोई तो हमारा पीछा कर रहा है, ऊपर से तू। तेरा वहम है मीरा, चल देखते हैं कि अंदर कौन है। तीनों लड़के मीरा के साथ वॉशरूम में आए तो अंदर कोई नहीं था। देखो मीरा, यहाँ कोई नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। मीरा लगता है तुझे भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। वो लोग फूड कोर्ट में पहुँचे और बुफे का खाना देखकर खुश हो गए। वाह, यहाँ तो सारी मनपसंद चीजें हैं। हाँ चिकन देख। सभी ने अपनी प्लेट्स भर भर के खाना ले लिया। फ्री के आइडियाज और ऊपर से फ्री का खाना, लाइफ सॉर्टेड है यार। यू आर वेलकम। वो देख वेव पूल।
सही है, खाना खाकर वहीं चलते हैं। हाँ, मजा आएगा। खाना खत्म करके वो लोग वेव पूल पहुँचे। मस्त है ये, क्या बड़ी बड़ी वेव्स हैं। एक बड़ी लहर आई और सब ऊपर उठे और फिर मीरा डूबने लगी। कोई मेरा पैर खींच रहा है। रौनक नीचे देख कौन है। रौनक तैरता हुआ नीचे गया तो नीचे चुड़ैल को देखकर हैरान रह गया। वो तुरंत ऊपर आ गया। चुड़ैल, नीचे चुड़ैल है, भागो भागो। अविनाश और युग ने मीरा को अपनी ओर खींचा और सब डरे सहमे बाहर की ओर चलने लगे। इस बार चुड़ैल ने युग का पैर पकड़ लिया। मुझे बचाओ, चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया। सभी दोस्त उसे खींचने लगे और युग आजाद हो गया। वो लोग पानी से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनके सामने वो चुड़ैल खड़ी हो गई। एक बार इस पानी में कदम रखने के बाद कोई जिंदा वापस बाहर नहीं निकलता। चारों दूसरी ओर भागने लगे। उस ओर भी चुड़ैल आ गई। कोई नहीं बचेगा। अब चारों डर से कांप रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीरा ने जैसे ही पानी से बाहर कदम रखा तो चुड़ैल ने उसकी गर्दन दबोच ली। तीनों में से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो मीरा को बचा सके। चुड़ैल ने मीरा की गर्दन घुमाकर उसके शरीर से अलग कर दी और मीरा के धड़ से खून का फव्वारा बहने लगा। खून, ताजा गरम खून। बचे हुए तीन हक्के बक्के रह गए ये दिल दहलाने वाला नजारा देखकर। फिर चुड़ैल ने युग को पकड़ा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो प्लीज। चुड़ैल ने युग की भी गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी। हमें छोड़ दो प्लीज। चुड़ैल ने एक साथ दोनों की गर्दन पकड़ ली और फिर एक साथ दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज बस चार शिकार मिले हैं। उम्मीद है अगली बार 40 मिलेंगे, तो जरूर आना मेरे वाटर पार्क में। यहाँ सब कुछ फ्री है, राइड, खाना और मौज।